तो स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं यानी मॉडर्न इंडिया का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अंग्रेजों की विजयों को पढ़ रहे हैं और अंग्रेजों की आज अवध की विजय को पढ़ेंगे अवध राज्य का विजय किस तरीके से अंग्रेजों ने किया चलिए तैयार हो जाइए स्वागत है आप सभी लोगों का गुड इवनिंग आपका आज की क्लास में आ, जानेंगे हम लोग संस्थान के बारे में देश के प्रसिद्ध शिक्षक एक्सपर्ट आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं सामूहिक रूप से मैं भी इसमें शामिल हूँ अन एकेडमी माह टेस्ट होने जा रहा है 8 अगस्त को सुबह ग्यारह बजे ये स्कॉलरशिप का टेस्ट है आप लोग इसमें एनरोलमेंट करवा लीजिएगा जो नए लोग हैं जो पुराने लोग हैं और इसमें हमारा जो रेफरल कोड है एस एन जे डबल ई बी इसका आप लोग प्रयोग कीजिएगा एनरोलमेंट में और टेस्ट दीजिएगा चार करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिप वर्थ यहाँ पे रखी गई है ये आप लोगों के फायदे की बात है इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के बीच में एक महासब्सक्रिप्शन्स का ऑफर चल रहा है इसमें आप लोग 45 प्रतिशत और प्लस यूपीएससी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा एक तो 45 प्रतिशत फीस में आपको छूट मिल रही है दूसरे आपको इसी में प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा और ऑप्शनल पेपर सभी के टेस्ट सीरीज भी करने को मिल रही है और ये जो ऑफर है ये एक तरीके से ये आप समझिए कि चार अगस्त को बंद होने जा रहा है ये वन ईयर के रूप में सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिल रहा है टू ईयर थ्री ईयर इसमें प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आइकोनिक कोर्स दोनों का सब्सक्रिप्शन है ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो लोन के द्वारा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं लोन का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और कुछ ही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं आपको लोन मिल जाता है अगर नहीं मिलता तो आप लोग सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं लोन के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है उसको लोन मिल जाएगा संस्थान द्वारा बीस किताबें भी दी जा रही हैं जो भी आपका मीडियम हो हिंदी हो हिंदी इंग्लिश हो इंग्लिश मीडियम में यू की तैयारी के लिए इसके अलावा यहाँ पे प्लस कोर्स है ये सामान्य अध्ययन का कोर्स है छः महीने बारह महीने चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में उपलब्ध है यहाँ पे आप लोगों को बाग्स में हमारे रेफरल कोड एस एन जे डबल ई -E बी -E का मेंशन करना है इसको अप्लाई करना है आप सभी लोगों को इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको फीस में यहाँ पर दस प्रतिशत की छूट मिलेगी इसके अलावा जो आइकोनिक कोर्स है वो प्लस कोर्स से बेहतर कोर्स है क्यों क्योंकि इसमें जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है ये एक साल दो साल और तीन साल के रूप में है यहां पर बाक्स में हमारा जो रेफरल कोड है एस एन जे डबल इसका मेंशन करना है एडमिशन लेते समय इसे अप्लाई करना है यहां पर भी फीस में आपको दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शनल पेपर का भी कोर्स है और ये तीन साल दो साल एक साल के रूप में है इसमें भी हमारे रेफरल कोड एस एन जे डबल ई बी के साथ में आपको फीस में दस प्रतिशत की छूट मिल रही है इसके अलावा चार अगस्त से कई प्रकार के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं प्लस कोर्स के वन ईयर का फाउंडेशन बैच है टू ईयर का फाउंडेशन बैच है कल सुबह चार बजे से हमारी क्लास भी प्लस कोर्स पे होगी सुबह दस बजे से सॉरी चार अगस्त से सुबह दस बजे से प्लस कोर्स पे हमारी भी क्लास होगी मॉडर्न इंडिया का अध्ययन मैं भी शुरू करूंगा तो जो प्लस कोर्स में एडमिशन लिया है वो आ सकता है वह क्लास को अटेंड कर सकता है सब्सक्रिप्शन से एडमिशन वाले स्टूडेंट ही यहाँ आ सकते हैं इसके अलावा स्पेशल इस क्लास जो ऐप पे होती है वो भी यूट्यूब की तरीके से फ्री होती है इसमें कई फीचर्स हैं आप लोग ज्वाइन ही करते हैं और हमारी जो आज की शाम की आ, ये स्पेशल क्लास है वो सेवन पी पर होने वाली कितने बजे होने वाली है सेवन पी पे एक क्लास सेवन पी यानी सात बजे स्टार्ट हो जाएगी और इसमें हम लोग इंडियन स्ट्रगल का अध्ययन कर रहे हैं जो दूसरी क्लास है वो सात बज के पैंतालीस मिनट पे दो क्लास हमारी रेगुलर होती चालीस चालीस मिनट की क्लास होती है दो क्लास रेगुलर है एक सात बजे एक सात पैंतालीस शुरू हो जाती है दोनों को रेगुलर आप लोग अटेंड कर सकते हैं इंडियन स्टेगल आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं चलिए पहुंचते हैं हम लोग आज के चैप्टर पर आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग अंग्रेजों की अवध विजय का अध्ययन करेंगे तैयार हो जाए आप सभी लोग स्वागत है आप सभी लोगों का थोड़ा सा विलंब हुआ आज हम्म कल मैं पहले ही आ गया था दो मिनट क्यों तैयार हैं आप सभी लोग हाँ क्लास को लाइक कर लेना है सभी लोगों को शेयर कर लेना है बड़ी दूर दूर तक क्लास को पहुँचाना है गुड इवनिंग सभी को हमारी तरफ से जो नए लोग हैं उनका भी स्वागत है जो पुराने लोग हैं उनका और स्वागत है क्लास में चलिए शुरुआत करते हैं बस क्लास को आप लोग शेयर कर लें और लाइक भी कर लें पेशवा हो जाएगा खत्म चिंता मत कीजिए बस जो पढ़ाऊ मन से पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से सब कुछ खत्म होगा कुछ बचेगा नहीं ठीक चलिए आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं आधुनिक भारत में अंग्रेजों की अवध विजय आज ये अवध विजय आपकी खत्म हो जाएगी एक छोटा टॉपिक है चलिए शुरुआत करते हैं अब सबसे पहले हमने जो अवध राज्य है अवध राज्य से यूपीएससी में पूछे जाने वाले कुछ विशेष यानी सामान्य प्रश्नों को लिया है चर्चित प्रश्नों को लिया इससे कुछ बेसिक बातें यूपीएससी की अवध राज्य से संबंधित आपकी समझ में आ जाएंगी तैयार हो जाइए आप सभी लोग बिल्कुल एकाग्र हो जाना है बिल्कुल कंसस हो जाना है ठीक अब यहां पे सबसे पहले तो जैसे आप लोगों ने देखा हैदराबाद राज्य का अपना संस्थापक है बंगाल राज्य का अपना संस्थापक है मराठा राज्य के वीर शिवाजी संस्थापक थे उसी प्रकार से अवध राज्य का भी अपना संस्थापक है। ये जो अवध राज्य है इसके संस्थापक के रूप में किसका नाम सामने आता है तो इसमें जो नाम सामने आता है वो सयादत खां का सामने आता है अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अवध राज्य की स्थापना किसने की तो सीधे आपको कहना है कि सयादत खान ने अवध राज्य की स्थापना की थी इसका वास्तविक नाम सयादत खां ही है लेकिन आगे इसके उर्फ लगा हुआ है सयादत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क इसका पूरा नाम है लेकिन जो बुरहान उल मुल्क है ये इसकी उपाधि है ये भी आपको ध्यान रखना है वास्तविक नाम इसका क्या है वास्तविक नाम इसका सयादत खां है और ये जो है बुरहान उल मुल्क ये इसकी क्या है इसकी उपाधि है बात आती है कि ये जो सयादत खां है ये अवध राज्य की जब स्थापना करता है तो इस समय जो मुगल बादशाह रहता है भारत का उसका नाम है मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह को ही रौशन अख्तर के नाम से जाना जाता है इतिहास में मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है इसी के समय में आप लोग देखेंगे तो अवध राज्य का उत्कर्ष हुआ था और इसी मोहम्मद शाह ने इस सयादत खां को बुरहानुल मुल्क की टाइटल दी थी उपाधि दी थी तो एक दूसरी बात आप लोगों ने जाना अवध की स्थापना के समय भारत का जो मुगल बादशाह था इसका नाम क्या था इसका नाम था मोहम्मद शाह और इसी मोहम्मद शाह ने सयादत खां को किसकी उपाधि दी थी बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी अब बात आती है कि आखिर अवध राज्य की स्थापना इस सयादत खां ने कब की थी एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो अगर अवध राज्य की स्थापना की बात आती है तो अवध राज्य की स्थापना वर्ष सत्रह सो बहत्तर ईस्वी में हुई थी सॉरी ये सत्रह सो बहत्तर तो गलत लिखा हुआ है सत्रह सो बहत्तर नहीं भाई एक सेकंड में देखता हूँ सत्रह सौ बहत्तर तो बहुत ज़्यादा हो गया ये जो सत्रह सो सत्ताईस इसको कर लेना है ठीक कब इसकी स्थापना हुई थी सत्रह सो सत्ताईस थोड़ा सा उल्टा हो गया सात की जगह पे दो आ गया और दो जग, की जगह पे सात चला गया इसीलिए उल्टा हो गया यहाँ पे तो हम लोग सीधा कर लेते हैं क्या दिक्कत है क्यों हम लोग इसे क्या कर लेते हैं सीधा कर लेते हैं तो अवध राज्य की स्थापना सत्रह सो ईस्वी में हुई थी कब हुई थी सत्रह सो ईस्वी में हुई थी ठीक सत्रह नहीं सत्रह सो में ईस्वी में हुई थी। ठीक? अब आगे थोड़ा सा बढ़िए पहली बात वही लिखी है कि सयादत खां जो अवध राज्य की स्थापना करता है सत्रह सो ईस्वी में इसको बुरहानुल मुल्क की उपाधि कौन देता है मोहम्मद शाह देता है ये मोहम्मद शाह कौन है ये भारत का मुगल बादशाह है तत्कालीन मुगल बादशाह है इसके समय में ऐसा नहीं कि केवल अवध राज्य की ही स्थापना हुई कई राज्य इसके समय काल में स्वतंत्र हो गए थे जैसे हैदराबाद है बंगाल है व अन्य कई राज्य भी हैं छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए क्यों स्वतंत्र हो गए क्योंकि ये जो शासक था इसमें शासक के कोई वास्तविक या अच्छे गुण थे ही नहीं ये कमजोर शासक था और जो राज्य की कार्यवाही होती हैं शासन होता है प्रशासन होता है उससे यह बड़ा दूर रहता था इसी कारण बस इसे रंगीला भी कहा गया दरबारी क्रियाकलाप में इसी कोई रुचि ही नहीं थी इसी के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि सत्रह सो ईस्वी में नादिर शाह जो ईरान का शासक है ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है जिसने गड़रिया के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी अपने करियर की शुरुआत की थी गड़रिया मतलब भेड़ वो चराता था नादिर शाह और एक समय ऐसा आया कि पूरे मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया था उसने तो इसी मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया सत्रह में इसको पराजित कर दिया और इसको पराजित करके इससे दो मुख्य वस्तुएं ले गया था जो विश्व प्रसिद्ध थी एक का नाम था कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा की खान से निकला था वर्तमान में ब्रिटिश ताज में लगा हुआ है कोहिनूर हीरा और सोने का सिंहासन ले गया था जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण शायजहा ने करवाया था इसी को तख्त ए हाउस कहा जाता है एक बार प्रश्न पूछा चलो मैंने आपको बताया कि सोने के सिंहासन या मयूर सिंहासन या तख्त ए हाउस का निर्माण किसने करवाया था करवाया था तो पहला मुगल बादशाह जो सोने के सिंहासन पर बैठा या मयूर सिंहासन पर बैठा उसका नाम था शाहजहां लेकिन अंतिम मुगल बादशाह जो सोने के सिंहासन या मयूर सिंहासन पर बैठा उसका नाम था मोहम्मद शाह क्यों क्योंकि इसके समय में नादिर शाह ने इस सोने के सिंहासन को लेकर ईरान चला गया था तो इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है बल्कि इसके समय काल से जो मुगल साम्राज्य है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न होने लगा अगर इस अवध साम्राज्य की बात करें अवध राज्य की बात करें और इसके विस्तार की बात करें तो जो अवध राज्य था इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो पश्चिमी सीमा थी यह कन्नौज तक लगती थी यानी इसका विस्तार कहां तक था कन्नौज तक था जो वर्तमान में अवध के नाम से पुकारा जाता है वो फैजाबाद सुल्तानपुर प्रतापगढ़ रायबरेली बाराबंकी और लखनऊ का एरिया आता है और ये जो अवध साम्राज्य है इसकी पश्चिमी सीमा इस कन्नौज से मिलती जुलती थी ठीक ध्यान रखिएगा इसको इसके अलावा अगर पूरब में देखा जाए तो पूरब में अवध का विस्तार कर्मनासा नदी तक देखने को मिलता है वाराणसी के आगे तक देखने को मिलता है ये यूपी और बिहार की सीमा पर ये कर्मनासा नदी आपको मिलेगी इसी में मुगल बादशाह हुमायूं एक समय ऐसा आया था कि डूब रहा था इसी नदी में डूब रहा था करवनासा और गंगा नदी में निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं बाबर का पुत्र था उसको बचाया हुमायूं भाग के दिल्ली पहुंचा और जब दिल्ली पहुंचा तो निजाम नामक भिस्ती को बुलाया क्योंकि निजाम ने उससे बचाया था शेर शाह ने हुमायूं के ऊपर आक्रमण कर दिया था तब हुमायूं ने निजाम नामक भिस्ती को दिल्ली के सिंहासन पर एक दिन के लिए बैठा दिया ये वही कर्मनाशा नदी है अवध अंग्रेजी राज्य अब ध्यान से एक बात समझिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवध अंग्रेजी राज्य और मराठा राज्य के मध्य एक मध्यवर्ती राज था एक बफर स्ट्रीट था ऐसे आइए इसको देखते हैं समझते हैं ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा स्टेट। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो अवध की स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है यहां पे आप लोग ये मान के चलिए कि ये कर्मनासा नदी है कर्मनासा रिवर यहाँ तक अवध का साम्राज्य ये उत्तर प्रदेश का एरिया आप लोग मान के चलिए और उत्तर प्रदेश का ये कन्नौज का एरिया मान के चलिए तो ये कन्नौज है कासे यानी से, से कन्नौज और के से करमनासा नदी यहां पे हम लोग अवध राज्य को देखते हैं किसको देखते हैं अवध राज्य को देखते हैं अब ये जो अवध राज्य जिस समय स्थापित हो रहा है सत्रह सो में इसके अगर इस तरफ आप लोग देखेंगे तो ये किसका किसका राज्य दिखाई पड़ रहा है ये वीर शिवाजी का राज्य दिखाई पड़ रहा है यानी मराठा राज्य दिखाई पड़ रहा है इधर मराठों की सीमाएं और इस कर्मानासा नदी के इधर आप लोग देखेंगे तो इधर किसकी स्थिति बन रही है इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बन रही है और धीरे धीरे बंगाल की विजय कर भी लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और इस मराठा राज्य के बीच में जो एक राज्य आ रहा है उसका नाम है अवध बीच में आने के कारण ही इसको मध्यवर्ती राज्य के रूप में जाना जाता है बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है क्यों कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इस अवध का प्रयोग करती है तो कई बार मराठा भी इस ईस्ट इंडिया कंपनी से बचने के लिए अवध राज्य का प्रयोग करते हैं यही है मध्यवर्ती राज्य आगे कुछ मुख्य बात आगे ध्यान दीजिएगा अच्छा सत्रह सौ एक सेकंड में देख ही लूं भाई आप लोग अवध राज्य पे गहमा गहमी कर रहे हैं मैं एक बार डेट देख लेता हूँ ठीक एक सेकंड हाँ एक बार आपकी डेट भी क्लियर हो गई भाई ज़रूरी है ना तो जो अवध राज्य की डेट है क्या बता रहे हैं आप लोग हाँ आइए सही बता रहे हैं आप लोग तो ये सही बात है सत्रह सौ सत्ताईस भी नहीं है ये सत्रह सौ क्या है 1722 बाईस है ठीक क्या है ये 1722 बाईस है अवध राज्य की स्थापना 1722 बाईस है ठीक नहीं 1731 नहीं 1722 सो बाईस सत्रह सौ बाईस क्लियर ठीक हाँ बाईस अब याद कर लीजिएगा गलती मत कीजिएगा इसलिए हमने देखा भी कि गलती ना हो हाँ उसमें जब एक बार प्रिंट गलत हो जाता है तो सुधारने में भी गलती हो जाती है 1722 बाईस अवध राज्य का संस्थापक अवध राज्य की स्थापना हुई ठीक आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बुरहानुल मुल्क यानी सयादत खां इसी ने अवध राज्य की स्थापना 1722 सो ईस्वी में की थी ने अवध की राजधानी फैजाबाद बनाया था अवध की राजधानी क्या थी फैजाबाद कई बार जो फैजाबाद है उसको साकेत के नाम से भी जाना जाता है यहां पर फैजाबाद के अंदर में आपको अवध यूनिवर्सिटी मिलेगी अवध विश्वविद्यालय मिलेगा और अवध विश्वविद्यालय का सबसे जो प्रसिद्ध कॉलेज है वो साकेत महाविद्यालय तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक सयादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा टर्निंग पॉइंट आ रहा है खान का इतिहास इतना ही है जितना पढ़ा रहा हूं उसके बाद में दूसरा शासक आ जाएगा क्या कहा जा रहा है यहां पे? थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है इतिहास का ध्यान दीजिएगा ये जो सयादत या बुरहानुल मुल्क है यह अवध राज का संस्थापक है 1722 में इसने अवध राज की स्थापना की इसने ईरान के नेपोलियन या ईरान के शासक नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था ऐसे लोग हैं जो विदेशियों को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं आइए आक्रमण कीजिए भारत पर नहीं दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया और नादिर शाह से कहा कि देखो भाई दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपए मिलेंगे 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपए मिलेंगे ये मैं गारंटी देता हूं यह बात किसने कही इसी सयादत खां जिसने अवध राज्य की स्थापना की थी इसी ने कही इसने पूरी तरीके से आश्वासन दिलाया लेकिन जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण किया दिल्ली को जीता तो ये 20 करोड़ रुपए मिले ही नहीं जब 20 करोड़ रुपए मिले नहीं तो नादिर शाह ने क्या किया नादिर शाह ने इसको संदेश पहुंचाया कि भाई 20 करोड़ रुपए तो मिले ही नहीं गए आप कह रहे थे कि 20 करोड़ रुपए मिलेंगे तो ये भयभीत हो हूटा और भयभीत होने के बाद में इस सयादत खान ने वर्ष सत्रह सो उन्तालीस ईस्वी में यह देखिए क्या लिखा हुआ है बिस। बिस का मतलब होता है क्या जहर जहर इसने खा लिया और जहर खाके इसने आत्महत्या कर ली सुसाइड कर ली तो यानी जिस सयादत खान ने सत्रह सो बाईस ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना की थी उसकी जीवन लीला विष खाके समाप्त हो रही है स्वयं इसने जहर खा लिया विष खा लिया कि क्या पता नादिर शाह हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें ही समाप्त न कर दे डर गया भयभीत हो गया और 1739 में अपनी जीवन लीला यह समाप्त कर चुका जब अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका तो इसके बाद में अवध का एक दूसरा शासक बना इसको ध्यान से समझिएगा इसका नाम है सफदरजंग क्या नाम है सफदर जंग इसका नाम है। अब इसका समयकाल इतिहास में आपको मिलता है इसका समयकाल शुरू होता है सत्रह सो उन्तालीस ईस्वी में और सत्रह सो चौवन ईस्वी तक इसका समयकाल यह है अवध राज्य का दूसरा नवाब इसके बारे में देखिए यह है सयादत खां का भतीजा व दामाद दोनों था यानी सयादत खां या बुरहानुल मुल्क का कोई वैध पुत्र नहीं था पुत्र ही नहीं था वैध पुत्र की तो बात छोड़िए तत्क पुत्र भी नहीं था वैध पुत्र भी नहीं था किसका सयादत खां का जब सयादत खां का कोई पुत्र नहीं था तो इसका भतीजा था कौन ये सफदर जंग और इसका दामाद भी था तो दामाद और भतीजा दोनों था जैसे अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का क्या था भतीजा और दामाद दोनों था समझिए इस बात को जैसे अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था वैसे सफदरजगंज आपको सयादत खां का भतीजा और दामाद दोनों दिखाई पड़ रहा है और सयादत खां की मृत्यु के बाद इसका भतीजा यानी दामाद यह शासक बना इसके समय में मोहम्मद शाह ने एक अध्यादेश जारी किया था जो इस समय मुगल बादशाह है वो मोहम्मद शाह है और मोहम्मद शाह ने एक अध्यादेश जारी किया और इसी अध्यादेश द्वारा इस सफदर जंग को क्या बनाया था इस अवध का सूबेदार बनाया था क्या बनाया था अवध का सूबेदार बनाया था मोहम्मद शाह ने मान लिया था स्वीकार कर लिया था ध्यान ये दीजिएगा कि समय आता है 1748 सो ईस्वी का 1748 सो ईस्वी में एक मुगल बादशाह है और इसका नाम है बादशाह अहमद शाह बादशाह अहमद शाह ये मुगल बादशाह है तो बादशाह अहमद शाह के समय में अगर आप लोग देखेंगे तो एक अफगानी शासक का आक्रमण होता है और इस अफगानी शासक का नाम है अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली ये ईरान के नेपोलियन यानी नादिर शाह का उत्तराधिकारी अपने आप को मानता है अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि ये अफगानी शासक है इसका नाम है अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का उत्तराधिकारी है दूसरी बात जो ध्यान देनी है वो यह देनी है कि इसी के नाम का भारत का इस समय का मुगल बादशाह है और इसका नाम क्या है अहमद शाह तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का शासक है इसने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो भारत का मुगल बादशाह कौन है तो आप कहेंगे अहमद शाह मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह मुगल बादशाह बना ठीक और ये जो अहमद शाह है अहमद शाह की सहायता इस सफदर जंग ने की थी अहमद शाह की सहायता इस सफदर जंग ने की थी जब सफदर जंग ने अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल बादशाह अहमद शाह की सहायता की तो जब अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया तो इस मुग़ल बादशाह अहमद शाह ने इस सफदर जंग को अपना वजीर बना लिया प्रधानमंत्री बना लिया वजीर आला बना लिया और ये बादशाह के रूप में था और वजीर कौन बन गया वजीर यह सफदर जंग बन गया ठीक इस बात का भी ध्यान रखिएगा आगे इसकी कुछ खास बात मैं आपको बता रहा हूं ये जो सफदर जंग था ये राज्य की गतिविधियों में हिंदू मुस्लिम करना पसंद नहीं करता था प्रशासन में इसने हिंदुओं को और मुस्लिमों को बराबर नियुक्ति प्रदान की कोई किसी के तरफ भेदभाव नहीं किया इसने यही यहां पे कहा जा रहा है सफदर जंग ने राज्य में नियुक्ति में हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान पद दिए थे कोई भेदभाव इसने नहीं किया था किसने इस सफदर जंग ने यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आगे बादशाह ने यानी सफदर जंग ने बादशाह ने यानी किसने बादशाह का मतलब अहमद शाह ने बादशाह का मतलब अहमद शाह ने अहमद शाह ने सत्रह सो तिरपन ईस्वी इस में इसे इसे यानी सफदर जंग को इसे यानी सफदर जंग को क्या किया था वजीर के पद से हटा दिया था जो वजीर बनाया था उसके पद से इसको बर्खास्त कर दिया मनमुटाव हो गया मुगल बादशाह सफदर जंग का मनमुटाव हो गया और सत्रह सो तिरपन ईस्वी में इस सफदर जंग को अपने वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया हटा दिया और आगे चल के एक साल बाद सत्रह सो चौवन ईस्वी में इस सफदर जंग की क्या हो गई मृत्यु हो गई डेथ हो गई तो अगर आप लोगों से कहें कि अवध का दूसरा नवाब कौन था तो आप कहेंगे सफदर जंग अगर अवध का पहला नवाब की बात आती है तो सयादत खान या बुरहानुल मुल्क पहला नवाब है ये दूसरा नवाब है क्रम भी याद रखिएगा ठीक अवध का तीसरा नवाब आ रहा है आपके सामने ये बड़ा प्रसिद्ध है इसके बारे में तो आप खूब जान रहे होंगे तो इसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे तो सीधे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसको पढ़ेंगे नहीं ठीक क्योंकि इसके बारे में आप लोग खूब पढ़े होंगे जम के पढ़े होंगे क्यों वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है बेटा वजीर का मतलब मुगल काल में क्या होता है प्रधान मंत्री होता है ठीक शासक मुगल बादशाह होता था मुख्य शासक और प्रधानमंत्री वजीर होते थे जो शासक की सहायता करते थे वजीर मतलब राजा नहीं वजीर मतलब प्रधानमंत्री राजा तो राजा जो है उसी को बादशाह कहा जा रहा है ठीक ध्यान रखना इस बात का जो बादशाह है वो मुख्य शासक है और वजीर जो है वो सहायक है बादशाह का ऐसे समझिएगा नहीं गलती हो जाएगी मेन शासक कौन है इसको आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे हाँ, सही बात है सेशन को लाइक ही नहीं किया है आप लोगों ने क्यों सही कह रहे हैं भीष्म जी हाँ तो लाइक कर लीजिए सभी लोग जल्दी से लाइक कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं चिंता मत कीजिएगा लाइक करते समय मैं कहीं जाऊंगा नहीं यहीं रहूंगा तो लाइक करके आइए चलिए कोई बात नहीं लाइक करते रहिएगा तीसरा अवध का नवाब आपके सामने आ रहा है इसका नाम है सुजाउदौला सत्रह से सत्रह का इसका समय काल है करीब करीब आप लोग देख रहे होंगे तो 20 साल का समय काल है इसका यह सफदर जंग का पुत्र था ध्यान रखिएगा यह किसका पुत्र था यह सफदर जंग का पुत्र था एक बात ध्यान रखिए कि सत्रह ईस्वी में निर्वासित मुगल सम्राट सुजाउद को अपने दरबार में इसने शरण दी थी इसका मतलब नहीं समझ पाए होंगे आप लोग क्यों कौन समझा इसका मतलब हम्म बताइए इसका मतलब समझ गए ना इसका मतलब यह है कि समय आया था जब सत्रह का तो जो अहमद शाह अब्दाली है भारत के ऊपर छह आक्रमण करता है और मुगल बादशाह को एक तरीके से विखंडित कर देता है कमजोर कर देता है निष्कासित भी कर देता है इस समय जो मुगल बादशाह है जिसका नाम शाह आलम द्वितीय है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भाग के पहुंच जाता है किसके दौला के दरबार में यही रहता है क्यों क्योंकि यह है, इसको शरण देता है ठीक तो मुगल बादशाह इसी के दरबार में है अब एक बात और शाह आलम द्वितीय जब दिल्ली में शासक बना कालांतर में जब शासक बना तो बड़ा उपकार था शाह आलम द्वितीय के ऊपर किसका इस सुजाउद्दौला का तो क्योंकि भाई शरण दिया है और शरण देने वाला काफी महान होता है तो जब सत्रह सो बहत्तर ईस्वी में आप लोगों ने देखा होगा कि मराठों ने इस शाह आलम द्वितीय को दिल्ली का शासक बनाया समझिएगा कॉन्सेप्ट को सत्रह सो बहत्तर ईस्वी की बात कर रहे हैं सत्रह सो बहत्तर ईस्वी में मराठों ने इलाहाबाद के ऊपर आक्रमण किया और ये जो शाह आलम द्वितीय था ये अंग्रेजों की कैद में था अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद से दिल्ली को शासित कर रहा था हमने जब मराठा पढ़ाया तो आपको बताया भी है मराठों ने आक्रमण किया अंग्रेजों की कैद से इस शाह आलम द्वितीय को छुड़ा लिया और अपने अधीन दिल्ली में शासक बनाया तो जब ये शाह आलम द्वितीय शासक बनता है तो इस सुजाउद दौला को क्या बनाता है अपना वजीर बना देता है अपना प्रधानमंत्री बना देता है समझ में बात आई इसी के समय में कई घटनाएं होती हैं एक एक घटनाओं को हम लोग समझते हैं बहुत जरूरी है समझना अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो अवध का तीसरा नवाब सुजाउद दौला है इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ध्यान दीजिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने पढ़ा है और पानीपत का तृतीय युद्ध सत्रह में हुआ और इस पानीपत के तृतीय युद्ध में इस सुजाउद दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था किसका साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था ये कहाँ का शासक है कोई बता सकता है ईरान का शासक है इराक का शासक है कुतुनतनिया का शासक है अफगानिस्तान का शासक है चाइना का शासक है कहाँ का ये शासक है अहमद शाह अब्दाली? जरा बताइए तो कहाँ का शासक है ये हम्म अफगानिस्तान का अफगानिस्तान का अफगानिस्तान का अफगानिस्तान का वेरी गुड अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया था और मराठों को सहायता नहीं की थी क्योंकि वो अपने देश के थे विदेशी लोगों को सहायता की आगे देखो सुजाउद दौला बक्सर के युद्ध में जब बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों से तो दौला बक्सर के युद्ध में सत्रह में जो युद्ध हो रहा है में अंग्रेजों से पराजित हो गया था यही वो दौला है जो बक्सर के युद्ध में शामिल रहता है और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज इस दौला को पराजित कर देते हैं जो बक्सर का युद्ध है आप लोगों ने देखा कि सत्रह में हुआ एक तरफ इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो नामक सेनापति कर रहा है दूसरी तरफ भारत की तीन संयुक्त शक्तियां हैं संयुक्त शक्तियों में बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम है इसके बाद में आप लोगों ने देखा कि ये जो अवध का शासक है ये सुजाउद भी इसमें शामिल है दौला भी इसमें शामिल है और इसमें भारत का मुगल बादशाह भी शामिल है इसका नाम है शाह आलम अब आप लोगों ने देखा कि मीर कासिम से और अंग्रेजों से बंगाल में एक झड़प हुई कलकत्ता में जिसमें मीर कासिम पराजित हो गया और पराजित होके ये बंगाल से निकल के पहुंच गया कहा इस सुजाउदौला यानी अवध के दरबार में पहुंच गया और जब इसके दरबार में पहुंचा तो एक तरीके से इस शाह आलम द्वितीय को इसने संरक्षण दिया हुआ था यह इसी के दरबार में था मुगल बादशाह अब इन तीनों लोगों में आपस में एक मसौदा हुआ एक समझौता हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अंग्रेजों का निर्णय अंग्रेजों का सामना करने का इन लोगों ने निर्णय लिया कालांतर में ये अपनी सेना को अवध से लेके पहुंच गए बिहार के बक्सर के प्रसिद्ध युद्ध के मैदान में उधर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ये हेक्टर मुन्रो कर रहा है हेक्टर मुनरो ने आमने सामने के युद्ध में ये प्लासी जैसा युद्ध नहीं था ये आमने सामने का युद्ध था अंग्रेजों की एक तरफ सेनाएं थी एक तरफ भारतीयों की संयुक्त सेना थी लगभग पचास हजार से ज्यादा और इनकी सेना सात हजार सत्ताईस अंग्रेजों की सेना तो बहुत कम थी इनकी पचासों हजार से ज्यादा सेना थी इनकी सात हजार सत्ताईस सेना थी प्लासी के युद्ध में तो खैर बाईसो सेना थी अंग्रेजों की लेकिन वहां पे तो युद्ध हुआ नहीं यहाँ पे सात हजार सत्ताईस अंग्रेज सेनापति और सेना सामना कर रही है भारत की सर्वोत्तम या श्रेष्ठ सेना का उत्तर भारत पूरा शामिल है इसमें मध्य भारत भी है मुगल बादशाह भी शामिल तीनों को पराजित कर दिया इस हेक्टर मुनरो ने इसमें मीर कासिम तो भाग गया दिल्ली की तरफ पराजित होने के बाद में और ये शाह आलम द्वितीय और सुजाउदौला इन दोनों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और कैद करने के बाद में इन दोनों से एक एक संधि अलग अलग अंग्रेजों ने सेपरेट की एक 12 अगस्त को की एक 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि की सत्रह में तो जो 12 अगस्त को इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध है वो शाह आलम द्वितीय के नाम से शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने संधि की थी जो 16 अगस्त को संधि हुई वो इस दौला से हुई ठीक इतना ध्यान रखिएगा इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेजों ने इससे काड़ा ध्यान दीजिएगा एक एक अलग से पॉइंट आ रहा है ये जो सुजाउद दौला के साथ में इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त सत्रह सो सत्रह सो आ, पैसठ ईस्वी को हो रही है इसमें इस सुजाव दौला के नियंत्रण में हमने कहा था कि इलाहाबाद और वाराणसी तक इसका साम्राज्य है तो इलाहाबाद का दो प्रसिद्ध क्षेत्र है एक का नाम है कड़ा यही वो कड़ा है जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की थी तो राजनीति में बड़ा योगदान है इसका इस कड़ा का बड़ा योगदान है बड़ा बड़ी प्रसिद्धि है ऐसा कह सकते हैं योगदान नहीं बड़ी प्रसिद्धि है यही वो कड़ा है जहां पे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी यही वो कड़ा है यही वो गंगा नदी का किनारा है कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर किससे लेकर इस अवध के नवाब सुजाउद दौला से लेके मुगल बादशाह को दे दिया और कहा कि आप इसी कड़ा यानी इलाहाबाद से आप राज्य करोगे और सत्रह से जो मुगल साम्राज्य है भारत का जिसका नाम है शाह द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में इसी कड़ा और इलाहाबाद में रहने लगा और जब सत्रह में मराठों ने आक्रमण किया तो इस मुगल बादशाह को छुड़ाया लाके दिल्ली में अपने अधीन शासक बनाया लेकिन 1803 सो ईस्वी में पुनः अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया क्योंकि 1803 तक जो मराठे शक्तिशाली थे इस मुगल बादशाह को संरक्षण प्रदान करते थे वही पराजित हो गए अंग्रेजों ने उनको ही पराजित कर दिया जब उनको ही पराजित कर दिया तो 1803 में दिल्ली भी पराजित हो गई ठीक आगे बढ़ते हैं बड़ी ही कंसेपल बातें हैं एक और बात यह जो सुजाउद दौला है अवध का तीसरा नवाब है इसने अपने समय में जो रुहेलखंड का शासक है रुहेलखंड में जो क्षेत्र आता है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है ये है रुहेलखंड और इसमें आप लोग देखेंगे तो मुख्यतया आज भी कई क्षेत्र आते हैं कई जिले आते हैं और एक जिला जो आता है इसका नाम है बरेली एक जो जिला आता है अत्यंत सांप्रदायिक जिला है उत्तर प्रदेश का इसका नाम है बदायूं सांप्रदायिक घटनाएं यहां पे होती रहती बदायूं और एक जिला इसमें और मुख्य रूप से आता है इसका नाम है फर्रुखाबाद ये ऐसा नहीं कि आज से है ये महाजनपद युग से है ये ये महाजनपद युग से है ये रोहेलखंड ध्यान रखिएगा आप लोग और इसमें ये तीन जिले मुख्य रूप से उस समय भी आते थे आज भी आते हैं। ये बरेली का मतलब किससे है ये रायबरेली से है क्या बरेली में रायबरेली शामिल है क्या बताइए जरा बरेली में रायबरेली शामिल है क्या शामिल है बताइए बताइए जल्दी से बताइए बरेली में रायबरेली शामिल है क्या अच्छा शामिल है नेहा पंडित जी नहीं शामिल है बाबू रायबरेली नहीं शामिल है जहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थीं। अभी लड़ती भी हैं हम्म, अब सही जगह पे आए आप लोग बरेली दिल्ली के पास है दिल्ली से काफी दूर है 200 किलोमीटर के दूर पर है अनिल यादव अभिमन्यु क्या गिर गया भाई आपका तो देखो भैया ये बरेली वो है जहां की प्रियंका चोपड़ा है प्रियंका वाड्रा नहीं जो वर्ल्ड ब्यूटी रह चुकी हैं प्रियंका चोपड़ा वो इस बरेली की बरेली की हैं। बरेली के अलावा एक राय बरेली जिला है जो लखनऊ के पास में है ये बरेली दिल्ली के पास में है कह सकते हैं हालांकि डेढ़ सौ किलोमीटर ज्यादा दूरी पर है मुझे लगता है दो सौ और ये बतायू आप जानते ही हैं फर्रुखाबाद आलू का प्रसिद्ध क्षेत्र है मुरादाबाद भी है अवध भी आलू का प्रसिद्ध क्षेत्र है खास करके अयोध्या में आप देखिए आलू की खेती हम लोगों के यहां तक आलू की खेती अच्छी खासी होती है अब क्या किया इस रुहेलखंड का एक शासक था जिसका नाम था हाफिज रहमत खां हाफिज रहमत खां का इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा था रोहेलखंड का शासक था दौला ने इस हाफिज रहमत खां के ऊपर आक्रमण किया पराजित कर दिया इसको इसको कैद कर लिया और कैद करने के बाद में इसको खत्म कर दिया और खत्म करने के बाद में अवध राज्य में इस इस रुहेल खंड को मिला लिया तो अवध राज्य में रुहेल खंड को किसने मिलाया सुजाउद दौला ने मिलाया अवध के तीसरे नवाब ने मिलाया ठीक लेकिन इस में इस सुजाउद की क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी ठीक अगला नवाब आपके सामने चौथा नवाब है, है यह 1775 से सत्रह का इसका समय काल सत्रह से सत्रह का इसका समय काल है यह आसफुदौला कौन है तो आप कहेंगे यह सुजाउदौला का पुत्र है वैद पुत्र है ये दौला ये कौन है ये सुजावुद दौला का पुत्र है इसने अपनी राजधानी को फैजाबाद से ट्रांसफर करके लखनऊ में स्थापित किया था और लखनऊ की आप लोग देखते होंगे कि जो प्रसिद्ध महिला आती हैं उनका बेगम हजरत महल नाम आता है और अठारह के विद्रोह में बेगम हजरत महल साहिबा रहती उस समय लखनऊ ही राजधानी रहती है लखनऊ से ही वो अवध राज्य का नेतृत्व तो करती तो फैजाबाद तो राजधानी सयादत खान ने ही बनाया था लेकिन फैजाबाद से अब राजधानी ट्रांसफर कर लिया लखनऊ किसने ट्रांसफर कर लिया इस आसफुद दौला ने ट्रांसफर कर लिया और लखनऊ को अब लखनऊ मुस्कुराइए आप लोग लखनऊ का नाम आ, आ रहा है यहाँ पे कहते नहीं है कि मुस्कुराइए आप लोग लखनऊ में है नवाबों का सर खास करके जो लखनऊ है ये लखनवी शैली नवाबों की शैली यहाँ पे अत्यंत विकसित अवस्था में आई थी और इसी कारण ये विख्यात है तो लखनऊ स्टेशन पे जैसे आप पहुंच जाते होंगे तो लखनऊ की रेवरी बड़ी प्रसिद्ध है रोरी एक मिठाई के रूप में है सूखी मिठाई होती है और लखनऊ का कपड़ा जो लीलन है और उसकी कढ़ाई पूरे भारत में प्रसिद्ध है जो मेडिकल कॉलेज है उसके बाद उसके बगल में चौक है वहीं पर यह पूरी मार्केट पूरे भारत में प्रसिद्ध है लखनवी मिजाज भी बहुत प्रसिद्ध है लखनऊ ठाठ भी बहुत प्रसिद्ध है आगे देखिए वर्ष सत्रह सौ पचहत्तर ईस्वी में इसके और वारेन हेस्टिंग्स कल हमने आपको पढ़ाया था वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था इसके बीच में क्या हुई इसके बीच में फैजाबाद की संधि हुई थी ठीक ये ध्यान रखिएगा इसी दौला के बीच में और वारन हेस्टिंग्स के बीच में वर्ष सत्रह सौ पचहत्तर ईस्वी में ये फैजाबाद की संधि हुई थी इस फैजाबाद की संधि में दो बातें शामिल थी उसको देखिए इस संधि से वाराणसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था इस संधि यानी समझौते में एक बात शामिल थी और इस संधि के माध्यम से वाराणसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया अब अवध की सीमा से वाराणसी निकल गया किसके समय में आसफुद दौला के समय में निकल गया दूसरी बात ये जो अवध की बेगमें थी कल हमने आपको बताया था कि इनके पास धन बहुत था धन धन का मतलब समझते हैं आप लोग हम्म hmm? नहीं समझते धन का मतलब क्या होता है बाबू लोग देखे कुणाल कोई आवाज दे रहा है आपको धन का मतलब क्या होता है कुणाल बड़ा अच्छा नाम है अशोक के पुत्र का नाम था कुणाल क्यों धन का मतलब होता है पैसा सही समझा आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा और अगर भारत सरकार से धन कमाना है तो आई बनना पड़ेगा आई एस बन के तनखा लीजिए भारत सरकार से अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी अपने घर को अपने देश को आप लोग मजबूत करेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये अवध की बेगमों के पास धन बहुत था खास करके सोने के सामान बहुत थे हीरे के सामान बहुत थे सोने के सिक्के बहुत थे चांदी के सिक्के बहुत थे अब अवध की बेगमों को डर था कि कहीं अंग्रेज या कोई डाकू वगैरह इस धन को लूट ना ले इसीलिए जब फैजाबाद की संधि हुई ही, तो वारन हेस्टिंग्स से ये बात कही अवध की बेगमों ने तो वारन हेस्टिंग्स ने कहा कि देखो भाई आपकी आपकी जो धन है उसकी सुरक्षा की मैं गारंटी लेता हूं आप लोग घबराइएगा मत अवध तो की बेगमों की संपत्ति के सुरक्षा की गारंटी ली 1775 में हुई फैजाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने ठीक अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार के कारण लेकिन देखो सुरक्षा की गारंटी ली ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट आपके सामने अवध के बेगमों के धन की सुरक्षा की गारंटी तो ली लेकिन गारंटी की तो बात छोड़ो उस धन को स्वयं वारन हड़पने लगा एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है हुँ? क्या भाई सुरुचि मतलब क्या भाई जादू टोना लगा रहे हो क्लास पे आज बफरिंग नहीं होगा बफरिंग हमेशा थोड़ा ना होता है हाई फाई स्टूडियो है बिल्कुल नया स्टूडियो है कोई पुराना स्टूडियो भी नहीं है सारा सामान नया है आप लोगों के लिए तो बफरिंग तो नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो क्या होगा बफरिंग तो होगा ही कई बार बारिश हो जाती है हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं वाईफाई नहीं काम करेगा अचानक ऐसा हो जाता है अचानक लाइट चली गई तो आप लोग जानते ही समझदार हैं यूपीएससी के स्टूडेंट हैं सब लोगों ने लगभग लग लगभग लग 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 ग्रेजुएशन किया होगा कुछ लोगों ने पीजी किया होगा कुछ लोगों ने पीएचडी किया होगा बहुतायत पैमाने पे आप लोग समझदार हैं उसमें सुरुचि तो बहुत समझदार है नहीं? क्यों और आप ऐसी बातें कर रहे हो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी बेटा हम्म कोई बात नहीं बच्चे मन के सच्चे क्यों बच्चे मन के सच्चे तो देखो क्या किया अब वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा की गारंटी ली वादा भी किया लेकिन बेवफा निकल गया गारंटी लेने के बाद खुद अवध की बेगमों का धन हड़पने लगा और पता चल गया था इंग्लैंड में स्थित एक प्रसिद्ध सांसद को जिसका नाम था वर्क इसका पूरा नाम है एडमंड वर्क ये बात पता भी चल गई थी ये ब्रिटेन में बैठा हुआ था तब भी इसको पता चल गया पता तो चल ही जाता है कोई बात छुपती कहाँ है हुँ? नहीं छुपती? तो जब ये वारेन ने कई बार बेगमो की धन को हड़पा और हड़पने का प्रयास भी किया सक्सेस भी रहा तो इस बात का पता चल गया था ब्रिटेन के प्रसिद्ध चर्चित सांसद एडमंड बर्ग को तो जब ये वारेन हेस्टिंग्स लंदन गया था अपना कार्यकाल गवर्नर जनरल का समाप्त करके तो ब्रिटिश संसद में इस एडमंड वर्क ने इस वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया था लेकिन ब्रिटिश संसद ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए इस वारेन हेस्टिंग्स को माफ कर दिया था तो ये कथन कारण के रूप में प्रश्न आ सकता है इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूं और आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा महाभियोग चलाया क्यों चलाया इसका रीजन मैंने आपको बता दिया किसने चलाया ये नाम भी आपके सामने ठीक आगे देखिए इसने सत्रह सो चौरासी ईस्वी में मोहर्रम 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 का मतलब समझते हो मुहर्रम मुस्लिम धर्म और संप्रदाय का एक बहुत बड़ा पर्व है इसमें ताजिया निकलती है ताजिया और ताजिया के समय आप लोग देखते होंगे कि वो पैर में हमारी तरफ तो ऐसा होता है कि घुंघरू पहने होते हैं और बड़ा बड़े अलग तरीके से वस्त्र को वो लोग धारण करते हैं हाथ में कभी वो लाठी डंडा या कुछ कटार वगैरह लिए रहते हैं और कई बार वो डांस वगैरह भी करते हैं और उनको किसके नाम से जाना जाता है पायक के नाम से जाना जाता है मुस्लिम धर्म और संप्रदाय में पायक बनना बड़ा शुभ माना जाता है कहते हैं व्यक्ति अगर पायक बनता है तो उसका जो कष्ट होता है वो कम हो जाता है अब अंतिम समय में जब मुहर्रम खत्म होता है तो ताजिया का दफन किया जाता है तो इस समय क्या किया था इसने मुहर्रम मनाने के लिए इसने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था मुहर्रम के उत्सव मुहर्रम के पर्व को मनाने के लिए इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था ध्यान रखिएगा किसी ने ए, इस यहाँ पे अवध के नवाब ने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था और आज भी ये इमाम बाड़ा है लखनऊ में देख सकते हैं आप लोग और ये जो इमाम बाड़ा है खास बात है कि इस इमाम बाड़े में कोई भी खंभा यानी पिलर्स आपको नहीं मिलेगा पिलर्स के ऊपर इसका निर्माण किया ही नहीं गया स्तंभों के ऊपर इसका निर्माण किया ही नहीं गया है किसका इमाम बाड़ा का यह ध्यान रखिएगा मुहर्रम के लिए सत्रह सो चौरासी ईस्वी इस में इसकी भी मृत्यु हो गई इसके बाद में वजीर अली सत्रह सो सत्तानबे से सत्रह सो अट्ठानवे एक छोटा सा समय काल है ये क्या बना ये अवध का नवाब बना ये कौन था ये आसफुद्दौला का पुत्र था आसफुद्दौला ने ही इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था लखनऊ में आज भी इमाम बाड़ा है यह है आसफुदौला का क्या है पुत्र है यानी बेटा है अगला नवाब अंग्रेजों ने इसके चाचा सयादत अली खां को बनाया था देखो अब अवध का नवाब भी कौन बनाने लगा अंग्रेज बनाने लगे कब से इस सयादत अली खां के समय से वजीर अली खां पसंद नहीं आया अंग्रेजों को तो इसके चाचा सयादत अली को सयादत अली को सयादत, अली को, सयादत खां को नहीं सयादत खां तो अवध का पहला नवाब था जिसने अवध राज्य की स्थापना की थी ये सयादत अली है वो सयादत खां था सयादत अली है गड़बड़ाइएगा मत ठीक नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अब सयादत अली आपके सामने आ गया सयादत अली खां सत्रह से 1814 धीरे धीरे इस अवध राज्य पे अब अंग्रेजों का कब्जा होता रहा है और एक समय अभी ऐसा आएगा कि इस अवध राज्य पे मैं अंग्रेजों का कब्जा करवा दूंगा फिर अंग्रेजों को भगाऊंगा भी चिंता मत कीजिएगा आप लोग ये दौला का भाई है दौला का भाई है और सयादत अली इसके पूर्व जो अवध का नवाब था वजीर अली इसका चाचा है इतने ही 1801 में, बेले जली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था देखो कल हमने आपको बताया था बेले जली की सहायक संधि प्रणाली वो याद है ना एच एम टी एपी बी एस ए पी तो ए का मतलब अवध राज्य से ही था और बेलेजली ने सहायक संधि अवध राज्य के ऊपर भी थोप दी थी लाद दी थी और 1801 सो ईस्वी में अवध राज्य को बेलेजली ने अपनी सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजी राज्य की स्वामी भक्ति तो स्वीकार ही करवा ली इसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे राजा की उपाधि प्रदान की थी एक गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स नहीं ये है लार्ड हेस्टिंग्स है ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स भी गवर्नर जनरल बन के आता है और ये सयादत अली को राजा की उपाधि देता है आप लोगों को पता नहीं होगा कि इतनी बड़ी उपाधि दे रहा है ये वारन हेस्टिंग तो क्यों भाई क्या इसका सम्मान करता है क्या इस सयादत अली का इतना गौरव है क्या सयादत अली का इतना ताकत है जो इसे राजा की उपाधि दे रहा है कहते हैं कि पैसा लेके वारन हेस्टिंग्स ने रुपया लेके धन लेके इस सयादत अली को राजा की उपाधि दी थी ध्यान रखिएगा धन लेके बड़े तेज थे अंग्रेज बताइए अगला बंगाल का अगला जो अवध का नवाब बना उसका नाम था गाजी उद्दीन हैदर अली खां अठारह से सत्ताइस लार्ड हेस्टिंग्स ने इसे 1815 में बादशाह की उपाधि दी बड़ा चतुर था लार्ड हेस्टिंग्स किसी को राजा की उपाधि किसी को बादशाह की उपाधि दिया करता था और इन लोगों से पैसे लिया करता था इसके बारे में और कोई हमें जानकारी नहीं मिलती इस हैदर अली खान के बारे में इसके बाद में जो अगला अवध का नवाब बनता है उसका नाम है अमजद अली खान 1827 से सैतालीस का इसका समय काल लेकिन इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती अमजद अली के बारे में भी हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती सोर्सेज कोई अवेलेबल विशेष रूप से नहीं है पढ़ना भी नहीं है आप सभी लोगों को इसके बाद में जो अवध का अगला नवाब बनता है उसका नाम है वाजिद अली शाह अठारह से अठारह का इसका समय काल ध्यान रखिएगा यही अंतिम बादशाह है अवध का या अंतिम बादशाह क्या अंतिम नवाब कह लीजिए वाजिद अली शाह ये कौन है ये अवध का अंतिम नवाब है अवध का अंतिम नवाब है ये ध्यान रखिएगा ये एक गवर्नर जनरल आ रहा है आपके सामने इसको याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी डलहौजी अपनी भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय की नीति के कारण अत्यंत चर्चा में था और विलय की नीति का आविष्कार भारत में इसी डलहौजी ने किया था और इस नीति के तहत जो भारतीय राज्य थे भारतीय रियासतें थी उनको यह अंग्रेजी राज्य में मिला लिया करता था इसमें सतारा को मिलाया जैतपुर को मिलाया संभलपुर को मिलाया बरार को मिलाया झांसी को मिलाया नागपुर को मिलाया वहां पे एच का कॉन्सेप्ट का था किसमें बेले जली की सहायक संधि में और यहां पे एस टी एस सतारा जैतपुर संभलपुर का कॉन्सेप्ट आता है बरार का आता है उदयपुर का आता है नागपुर का कॉन्सेप्ट आता है और अवध को भी इस डलहौजी ने क्या किया था अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया लेकिन एक बात यहां पे समझिएगा आप सभी लोग ये जो अवध राज्य था ये अंग्रेजों का पिसलगु था ये अंग्रेजों की गाय था गाय का मतलब होता है बड़ा सीधा साधा पशु तो अवध राज्य की तुलना गाय से की गई यानी अवध राज्य के जो नवाब थे वो बड़े सीधे साधे थे अंग्रेजों का कहा मानते थे अंग्रेज जिधर से कान पकड़ते थे उधर ये अवध के नवाब चले जाते थे आराम से इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी इसका मतलब अंग्रेजों के क्या थे भक्त थे अंग्रेजों के दोस्त थे अवध के नवाब अवध के बासी नहीं अवध के नवाब अब अंग्रेजों को छोड़ देना चाहिए था अवध राज्य को इसको अंग्रेजी समाज में विलय करने का क्या मतलब है जो अंग्रेजों का वैसे ही पिछलग्गु है उसको मिला के क्या करेंगे तो इस समय कई राजाओं के बीच में चर्चा थी रियासतों के बीच में चर्चा थी तो भाई अवध तो अंग्रेजों का वैसे ही पिसलग्गु है ये जो डलहौजी है ये अवध राज्य को हो सकता है अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या विलय की नीति के तहत इस अवध राज्य को ना मिलाए और अंग्रेजों के पास ऐसा कोई रीजन भी नहीं था ऐसा कोई कारण भी नहीं था कि अवध राज्य को मिलाया जाए अंग्रेजी राज्य में या विलय कर लिया जाए ऐसा कोई रीजन भी नहीं था तो रीजन बनाया गया ये रीजन किसने बनाया ये रीजन पैदा किया किसने इस लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहोजी ने इस समय एक अंग्रेज था इस अंग्रेज का नाम था जेम्स आउटरम इसको अपने दरबार में बुलाया बुलाने के बाद में इससे साठ गांठ की और कहा कि देखो भैया एक कमेटी बना रहा हूं एक समिति बना रहा हूं और ये समिति अवध के क्षेत्र में जाएगी और अवध के क्षेत्र में जाने के बाद में ये अपनी रिपोर्ट देगी कि जो अवध के राज्य का प्रशासन है शासन है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है इस जेम्स आउटरम ने ऐसा ही किया ये कमेटी का चेयरमैन बना गया और जाने के बाद में इसने अवध के बारे में रपट दिया और रपट में कहा कि अवध का शासन अवध के नवाब के द्वारा सही से नहीं चलाया जा रहा है यहां का नवाब जनता के बारे में कोई परोपकारी काम नहीं करता कोई जनकल्याणकारी काम नहीं करता जनता त्राही माम त्राही माम कर रही है ऐसे में अब अंग्रेजों को बेस मिल गया अंग्रेजों ने कहा कि अवध में तो कुशासन ही कुशासन है तो कुशासन को बेस बना के कुशासन को आधार बना के अंग्रेजों ने अठारह सो छप्पन ईस्वी के पूर्व ये देखो हाँ अठारह सो छप्पन ईस्वी में ही चार फरवरी अठारह सो छप्पन ईस्वी को अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया कालांतर में ये अवध राज्य भी अठारह सो सत्तावन के विद्रोह में एक साल बाद शामिल होगा और शामिल होने का रीजन यही है कि अंग्रेजों का जो पिसलग्गु था अंग्रेजों का जो गाय था अवध राज्य उसके नवाब उसको भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा इसलिए मिला लिया आगे देखिए हड़प लिया ये हड़प नीति है ये विलय की नीति है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है इसके द्वारा सतारा जैतपुर संभलपुर बरार उदयपुर नागपुर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया यही बचे हुए थे आगे देखो और वाजिद अली शाह के साथ में क्या किया ये अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह ये आपसे पूछा जा सकता है अंतिम नवाब था ये वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने क्या बनाया अपना पेंशनर बना दिया इसको पेंशन दे दी और पेंशन देके इस वाजिद अली शाह को कहा भेज दिया इस वाजिद अली शाह को कहा भेज दिया जल्दी से बताइए पेंशन देकर इस वाजिद अली शाह को कहा भेज दिया बांग्लादेश म्यांमार नेपाल कहां भेज दिया जल्दी से बताइए देखता हूं कौन बताता है इस वाजिद अली शाह को कहां भेज दिया अंग्रेजों ने बताइए चैट में बताइए कहां भेज दिया भाई कहां भेज दिया अभिषेक नेपाल रंगून हाँ मैं समझ रहा था यही सब उत्तर आएंगे कहाँ भेज दिया नेपाल रंगून नेपाल नहीं भेजा रंगून नहीं भेजा म्यांमार नहीं भेजा भारत नहीं भेजा बंगाल भेज दिया और बंगाल में कलकत्ता भेज दिया देख लिया था आप लोग नकलची है ना क्यों कोई बात नहीं नकलची होना भी अच्छी चीज साम दाम दंड भेद क्यों सही हो गया अमित कुछ लोगों का सही हो गया देख लिया था कुछ लोग चतुर थे नजर रहती है लेक्चर पे नहीं नजर रहेगी लेकिन कंटेंट पे नजर रहेगी ये मैं देखता हूं इसीलिए कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था बड़ी अच्छी बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ था सही सही मैं परेशान हो गया था अवध के नवाबों की वंशावली यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया सत्रह जैसे अवध राज्य की स्थापना हो गई यहीं पर सीधे हमें आ जाना चाहिए था 1722 सो ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना इस सयादत खाने ने की और इसका समयकाल काल सत्रह तक का है ये अवध राज्य का पहला नवाब है सयादत खां इसी का नाम है सयादत खां या बुरहानुल मुल्क क्या नाम है सयादत खां या मुल्क। इसके बाद में जो दूसरा नवाब है वो सफदर जंग है सत्रह से सत्रह चौवन का शासनकाल तीसरा जो नवाब है उसका नाम है सुजाउदौला सत्रह सौ चौवन से सत्रह पचहत्तर चौथा जो नवाब है उसका नाम है आसफुद्दौला सत्रह सौ पचहत्तर से सतानवे पांचवा जो नवाब है उसका नाम है वजीर वजीर अली सत्रह से अट्ठानबे छोटा सा समय काल छठवा जो नवाब है सयादत अली खां द्वितीय यह सत्रह से अठारह सो आठवा जो नवाब है उसका नाम है गाजी उद्दीन हैदर अली खां 1814 से 27। नौवा जो नवाब है वो नासरुद्दीन हैदर है ये 1827 सत्ताईस से सैताइस दसवा जो नवाब है वो मोहम्मद अली शाह है अट्ठारह सौ से बयालीस ग्यारहवा जो नवाब है वो अमजद अली है अठारह सो बयालीस से सैतालीस बारहवा जो नवाब है वो वाजिद अली शाह है अट्ठारह सैतालीस से अट्ठारह छप्पन ये क्या है ये अवध का अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह ये क्या है ये अंतिम नवाब है ठीक ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अवध का क्या है ये अंतिम नवाब है ये बंसावलियां दी हुई हैं। कई बार क्रम भी आप लोगों से पूछ लेता है तो क्रम जरूर आप सभी लोग तैयार रखिएगा ठीक क्रम जरूर आप लोग तैयार रखिएगा ये पीडीएफ में अभी आपको सेंड कर देता हूं वही सत्रह वाली बात है उसी को सही करवाना पड़ेगा चूंकि नहीं तो आप लोग शेयर करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा और शेयर करते ही है कहां का पीडीएफ कहां पहुंच जाता है होता भी ऐसे शेयर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है शेयर कर सकते हैं और उसमें अगर सत्रह लिखा रहा और संजीव सर की पीडीएफ है सत्रह कैसे हंगामा क्यों ठीक तो अभी जो हमारी क्लास होगी आन अकेडमी की स्पेशल क्लास होगी ध्यान रखिएगा और वो सेवन पीएम पे होगी सेवन पीएम पे क्लास होगी स्पेशल क्लास होगी ध्यान रखिएगा सात बजे आन अकेडमी के ऐप पर आप लोग आ जाइएगा और इंडियन स्टगल का अध्ययन कर रहे हैं ठीक फ्री लाइव क्लास होगी जैसे यहाँ पे क्लास हो रही है सबके लिए फ्री है सभी लोग आ सकते हैं सभी लोग उस क्लास को पढ़ सकते हैं आगे और ये क्लास सात बजे से होगी मैं अपने ग्रुप में आपको मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अन अकेडमी हिस्ट्री वाइज संजीव पांडे के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को लाइक करके सभी लोगों को जाना है सेशन को लाइक करके सभी लोगों को जाना है ठीक और कुछ पूछना हो तो बताइए कुछ पूछना हो तो बताइए किसी को कुछ पूछना है हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी आकृति पांडे थैंक यू आज बेटा फास्ट है तो चॉकलेट ग्रहण नहीं कर पाऊंगा <laughs> यही आप लोगों का प्यार स्नेह बरकरार रहे यही उम्मीद है आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद और कोई क्वेश्चन अनएकेडमी हिस्ट्री वाइज संजीव पांडे के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा बहुत सारे स्टूडेंट उसमें हैं कमेंट करके आप लोगों को बताना है क्लास कैसी लगी कितनी अच्छी लगी ठीक हाँ क्लास करके आपको बताना है और क्या पढ़ना रहता है आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या हमें पढ़ाना है उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं आप सभी लोग जो भी पढ़ना हो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं सर हमें ये पढ़ना है क्लास के बारे में भी आप लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग लड़ा होता तो थोड़ा अहमद शाह अब्दाली की स्थिति कमज़ोर पड़ती क्या पता अहमद शाह अब्दाली थोड़ा सा पराजित भी हो सकता था मराठों का साथ किसी ने दिया नहीं ना जाटों के नेता सूरज मल ने भी साथ नहीं दिया अहमद शाह अब्दाली वो तथस्थ रहा था मतलब किसी ने साथ नहीं दिया अगर शायद साथ दिया होता तो मराठे जीत भी सकते थे मुन्ना भैया आपके प्रश्न का उत्तर और कोई प्रश्न अच्छा ज्योग्राफी ठीक है विवेकानंद जी अच्छा इकोनॉमी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सभी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं सात बजे सात बजे आप लोग आ जाइएगा ऐप पर एमसीक्यूज के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे मॉडर्न इंडिया में इंडियन का ठीक मिस्टर ओके थैंक यू और अभी नौ बजे हमारी यहां पे भी एक क्लास होगी वो साइंस टेक का एमसीक्यू पढ़ेंगे आज यूट्यूब पे ठीक